इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम क्रस्टेशिया के सेंसरी स्ट्रक्चर स्टैटोसिस को डिस्कस करेंगे एंटीने के अलावा सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो कि क्रेफिश में हैं इसमें हैं कंपाउंड आइस सिंपल आइस स्टैटोसिस कीमो रिसेप्टर्स रिसेप्टर और टेक्टाइल सीटी कीमो जो हैं दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अपेंडिजिज एंड दर सीटें जो हैं ये माउथ पार्ट्स को कवर करते हैं एंटीने जो हैं दे आर कीमो रिसेप्टर्स एंड दे आर यूज इवन फॉर साम्पलिंग द फूड फूड को ये सेंस करेंगे कि वेदर दिस फूड इज़ गोइंग टू बी डाइजस्ट आर टू बी रिजेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द करे फिश इसके अलावा फूड की डिटेक्शन के लिए मुख्तलि फिरोमोन्स भी बॉडी में मौजूद हैं फिर सिंगल पेयर ऑफ स्टेटोसिस जो है दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फर्स्ट एंटीन अब स्टेटोसिस क्या है दिस इज नॉर्मली आ पिट लाइक इन्वेजिडेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन जो के सीटे दैट विल कंटेन सीटे एंड आ ग्रुप ऑफ सीमेंटेड सैंड ग्रेन्स जिसको हम कहेंगे स्टैटोलिथ क्रेफिश की मूवमेंट्स जो हैं ये हेल्प करती हैं स्टैटोलिथ की मूव को मूव करने में एंड टू डिसप्लेस दीटे स्टैटोसिस जो हैं ये नॉर्मली हमें इंफॉर्मेशन देते हैं एनिमल की बॉडी को किसके कंसर्न फॉर मूवमेंट ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द पुल ऑफ ग्रेविटी या जो भी वाइब्रेशन्स उसके सराउंडिंग में हो रही हैं इन सब को स्टैटोलिस जो है वो डिटेक्ट करेंगे अब चूंकि स्टैटोसिस जो है स्टैटोसिस जो है ये क्यूटिकल स्ट्रक्चर है हर दफा जब भी एनिमल की बॉडी में मोल्टिंग होगी ये स्ट्रक्चर रिप्लेस होगा सैंड इज जो उसके अंदर सैंड है दैट इज नॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड इन टू द स्टैटोसिस जब हम क्रस्टेशियन की बॉडी को सैंड में बरी करते दूसरे रिसेप्टर्स जो इक्वलिब्रियम में बैलेंसिंग में और सेंस और सेंस ऑर्गन्स को पोजीशनिंग में इन्वॉल्व हैं उनको हम कहेंगे टेक्टाइल रिसेप्टर्स। ये टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो हैं वो अपेंडेज़ पे और जॉइंट्स पे मौजूद हैं जब एक क्रस्टेशन की बॉडी क्रॉल कर रही होती है या रेस्ट कर रही होती है तो ये अपने रिसेप्टर्स को स्ट्रेच करेगी एट द जॉइंट्स और वहाँ पर फिर जब ये स्ट्रेच होंगे दे आर नॉर्मली स्टिमुलेटेड इसी तरह से क्रस्टेशन्स जो हैं दे कैन डिटेक्ट टिल्टिंग फ्रॉम द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्टिमुलेशन अब ये जो रिसेप्टर्स हैं इनके अंदर वाइडली दीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसेप्टर्स आर नॉर्मली इम्पॉर्टेंट टू डिफरेंट एनिमल्स ऑफ द क्रस्टेशियंस दैट लेक दैटोसिस यहाँ पर सेंसरी स्ट्रक्चर स्टैटोसिस को एलेबोरेट करके इसके अंदर दिखाया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से इसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं अब इसमें आप देखें एंटेन सेंसरी रिसेप्शर पिंसर जो है दिस इज़ यूज फॉर डिफेंस माउथ पार्ट्स आर यूज फॉर फीडिंग और स्टैटोसिस जो है दिस इज़ Here, a structure present that we have described before. So, these are some of the important sensory structures that are present in the body of the crayfish.